भारतीय जनता पार्टी कश्मीर डिस्प्लेसी डिस्क की तरफ से आज हम रिलीफ कमिश्नर के ऑफिस आए थे हमारा एक डेलीगेशन आया था जो हमारे समाज में सबसे ज़्यादा बर्निंग क्वेश्चन था वो हमारे राशन का था जो हमारा राशन कार्ड हमारे बच्चों का है वो बच्चे बाहर हैं कोई दिल्ली है कोई मुंबई है, है कोई किसी और जगह है लेकिन उसका राशन कार्ड यहाँ पर दिया नहीं जाता था हमने कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट किया कि उनके पेरेंट्स को उनके ब्लड रिलेशन को राशन कार्ड मिलना चाहिए राशन स्लप मिलना चाहिए ताकि वो यहाँ पर राशन लाए कमिश्नर साहब ने हमारी बात मान ली और उन्हें कहा मैंने ऑर्डर्स इशू किए हैं कि जो जो भी ब्लड रिलेशन उस लड़के का होगा उसको राशन सिलिप दिया जाए हम उसके लिए कमिश्नर साहब का थैंक यू अदा करते हैं अपनी तरफ से दूसरा कमिश्नर साहब ने और सरकार ने जो बारामूला और बाकी जगह हमारे फ्लैट हमारे माइग्रेंट के लिए आवंटन किए दे दिए उसके लिए भी हमने कमिश्नर साहब को धन्यवाद किया गवर्नर साहब को भी धन्यवाद किया लेकिन उसमें थोड़ी बहुत कुछ त्रुटियाँ थी जो हमने कमिश्नर साहब के सामने रखी है उसके अलावा जो गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी स्कीम्स है जो माइग्रेंट को हम गवर्नमेंट ने हमको दे दी है उसकी डिटेल भी हमने कमिश्नर साहब से ले ली है उसमें प्रमुख है आयुष्मान आई, भारत कार्ड है और भी बाकी स्कीम्स है जो हम लोगों को इन्होंने दे दी है सरकार ने उसको भी हमने कमिश्नर के साथ बात करके वो कौन कौन सी स्कीमें हैं और आगे क्या देने जाने वाले हैं माइग्रेंट को इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो रिलीफ इन्हांसमेंट का है हमने कमिश्नर साहब को ये बता दिया कि कश्मीरी समाज को कश्मीरी समाज को रिलीफ एनाउंसमेंट होना चाहिए उसने ये कहा कि होम मिनिस्टर एक टीम मेरे पास आया था मैंने रिकमेंड किया है इसको इंक्रीज किया जाए आशा करते हैं कि जल्दी आने वाले दिनों में वो रिलीफ भी एनाउंसमेंट हो जाएगा Take